बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक पारित करने के बाद देश भर में विरोध के स्वर मुखर है। हरियाणा, पंजाब के बाद अब विरोध की आग यूपी में भी पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने 25 सितंबर को चक्का जाम पर देश में किसान कर्फ्यू की घोषणा करते हुए 3 बिलों के खिलाफ अपना बिगुल बजा दिया। किसानों को मेरठ कलेक्ट्रेट में प्रवेश न करने पर किसानों ने गेट पर अपना ताला भी डाल दिया। मेरठ में ही समाजवादी पार्टी ने भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए कृषि बिलों का विरोध किया है। आज मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने यह घोषणा की। टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। संसदीय इतिहास में यह पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए। किसी सांसद को सवाल पूछने तक का मौका नहीं दिया गया। भारतीय लोकतंत्र के अध्याय में यह काला दिन है। टिकैत ने यह भी कहा कि महामारी के इस विषम काल में मोदी नई संसद बनाकर जनता की कमाई का 900 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं। देश को नए संसद भवन की फिलहाल जरूरत नहीं है। टिकैत ने घोषणा की कि 25 सितंबर को देश का किसान इन बिलों के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, किसान सड़क पर ही रहेगा। 25 सितंबर को भाकियो देश भर में चक्का जाम करेगी और किसान कर्फ्यू रहेगा। उधर मेरठ में कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। किसान अपने साथ कलेक्ट्रेट में डेरा जमाने के लिए पूरे साजो सामान के साथ वहां पहुंचे थे। पुलिस ट्रैक्टर अंदर जाने से रोक रही थी, जबकि किसान ट्रैक्टर समेत अंदर जाने की जिद पर अड़े थे। इस दौरान पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जय जवान जय किसान आदि के भी नारे लगते रहे। इस बीच सपा ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने यह जानकारी दी। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर भारत सरकार की उन तमाम नीतियों, उत्तर प्रदेश की उन तमाम नीतियों, जिन नीतियों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया, छात्रों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, व्यापारी बर्बाद हैं, नए नए कानून ऐसे आ रहे हैं जिन कानूनों का इस देश की जनता को, देश को बर्बाद हो जाएंगे, उन सब के विरोध में आज ये धरना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मेरठ तहसील के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जो पार्टी का निर्देश होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, हम उसका पालन करेंगे। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, आप देख लो, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और मजबूती के साथ चल रहा है। एक ही चीज कहना है, 2022 नजर आ रहा है और अपने सरकार बनानी है, और इस सरकार बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी इतना ही काफी है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है एक वो, और दूसरा किसानों का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये, किसान और बेरोजगार ये दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को फाड़ देखने का काम करेगा। मजबूती से हम इन दोनों मुद्दों को पकड़ कर रखना है। धरना प्रदर्शन आंदोलन जेल भरो, ना समाजवादी पार्टी पहले कभी डरे है और ना आइंदा कभी डरने का काम करेंगे। सभी समाजवादी साथी और मेरे साथीगण जो साथ आए हैं, एक बात जान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको टिकट देंगे ये उनका विषय है, किसको पदाधिकारी बनाएंगे ये उनका विषय है, टिकट पाने वाले को और पदाधिकारी जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा हर असली कार्यकर्ता उनका समर्थन और सम्मान करेगा, और समाजवादी आंदोलनों के लिए जो बढ़ चढ़ कर होगा, जो हमें करना होगा, धरना प्रदर्शन, वो सारे कार्य करने का हम काम करेंगे। मैं आवाज लगाऊंगा, एक कौन आ रहे, आवाज तो, आवाज तो, इनकलाब, इनकलाब। एक कृषि अध्यादेश लाए हैं भारत सरकार, जिसमें किसानों का तमाम शोषण होगा।
जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, भारत का किसान खुशहाल होगा। लेकिन तीन अध्यादेश जो ये लाए हैं ये किसानों के लिए शोषण का एक प्रावधान है, ये काला कानून है और भारतीय किसान यूनियन इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी के आह्वान पर 21 तारीख को समस्त भारत में जिलाधिकारी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है किसानों की जो फसल है, फसल का कोई भी वाजिब दाम उचित नहीं किया जा रहा, ना ही उसका कोई ऐसा वो किया जा रहा, ना उसमें मंडी समाप्त की जा रही है और उसमें एक प्रावधान एक गारंटी भी नहीं है कि हम आपकी फसल खरीद लेंगे। और ये वास्तव में सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, छलावा किया है और हम आने वाले टाइम में बता देंगे किसान सड़कों पर होगा। राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का किसान सड़कों पर होगा और आने वाले चुनावों में भी वही जो इनका नारा था कि हम विकास कराएंगे, हम किसान कहेंगे, हम तुम्हें भारत से भगाएंगे। तो कब तक इसका विरोध, कब कहाँ तक होगा इसका विरोध? जब तक होगा इसमें, जब तक इस कानून को समाप्त नहीं कराया जाएगा, जब तक हमारा ये सरकार हमारा शोषण करना बंद कर देगी, जब तक राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये विरोध चलता रहेगा, संपूर्ण भारत में चलता रहेगा। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।